अब हम समझ लेते हैं लाइन स्पेसिंग के बारे में। अब ये लाइन स्पेसिंग क्या होती है, देखिए जब भी आप एंटर दबाएंगे, एंटर फॉर न्यू पैराग्राफ, ठीक है, जब भी आप एंटर दबाएंगे तो दो पैराग्राफ, एक नया पैराग्राफ स्टार्ट होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मुताबिक। इसका मतलब है टू लाइन स्पेस आएगा, कितना लाइन स्पेस आएगा, टू लाइन स्पेस। अच्छा, जब भी आप यहां पर शिफ्ट के साथ एंटर दबाएंगे तो इससे क्या होगा, शिफ्ट एंटर फॉर न्यू लाइन, और इससे वन लाइन स्पेस आएगा। बात समझ में आ रही है? अगर आप डायरेक्ट एंटर दबा रहे हैं तो दो लाइन का गैप आ रहा है और एक नया पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, और अगर आप शिफ्ट एंटर दबा रहे हैं तो इसका मतलब आप ये चाह रहे हैं कि मैं उसी पैराग्राफ में एक नई लाइन ले लूं, उसी पैराग्राफ में एक न्यू लाइन ले लूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो लाइन स्पेस है इसको मैनेज कैसे करते हैं। अब ये देखें, एक शॉर्ट की बता रहा हूँ आपको, कंट्रोल के साथ कंट्रोल का बटन होल्ड करेंगे और माउस का स्क्रोलर चलाएंगे तो आप इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, यानी कि जूम आउट हो गया ये, और इस तरह से जूम इन भी कर सकते हैं। पर कंट्रोल का बटन दबा के रखना है कीबोर्ड से, और माउस के स्क्रोलर को आगे और पीछे करेंगे तो ये जूम इन और जूम आउट का काम करेगा, ठीक है। अब मेरा डॉक्यूमेंट एंड हो गया यहाँ पर, मेरे पास टेक्स्ट नहीं है आगे, लेकिन मेरे पेज के ऊपर ये लाइन स्पेस काफी पड़ा हुआ है, तो मैं प्रिंट कर दूं नुकसान नहीं है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि पूरा पेज फिल हो जाए ताकि पढ़ने वाले को लगे कि हाँ भाई इसने पूरा फिल करके दिया है। तो इस तरह की चीजों को हम कंट्रोल करने के लिए लाइन स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। अब लाइन स्पेस आप सबके ऊपर एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, और लाइन स्पेस आप एक पैराग्राफ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक पैराग्राफ पे अप्लाई करना है तो उसको सिलेक्ट करना है, जूम किया, और लाइन स्पेस इसमें बाय डिफॉल्ट 1.15 होता है, बाय डिफॉल्ट शुरू से, इसको कम करके 1 भी कर सकते हैं और उसको बढ़ा के 1.5 और 2 लाइन का गैप भी ले सकते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुद मैनेज करेगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप पूरे डॉक्यूमेंट पे अगर स्पेस अप्लाई कर दें, सपोज टू बी मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट किया और इस पूरे डॉक्यूमेंट पे मैंने यहाँ से स्पेस लगाया 1.15 और 1.5 का, तो देखें टेक्स्ट कुछ यहाँ तक एंड तक आ गया और एक नया पेज भी एक्टिवेट हो गया। इस पेज को एक्टिवेट होने दें, अगर नहीं हम यूज कर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती, और अगर इसको डिलीट करना है तो लास्ट लाइन के लास्ट में रख के, लास्ट लाइन के लास्ट में रख के कीबोर्ड से दबाना है, कर्सर को रखना है वहां पे डिलीट का बटन, DELET, डिलीट। जैसे ही आप डिलीट को दबाएंगे तो नेक्स्ट पेज को वो डिलीट कर देगा। सिमिलरली अगर आप यहां रख के फिर इंटर दबाएंगे तो वो नेक्स्ट पेज को ऐड कर देगा, एंटर जैसे नई लाइन आएगी तो अगले पेज पे चला जाएगा, और यहां पे रख के डिलीट का बटन दबाएंगे तो उसको यहां पे डिलीट कर देगा। तो यहां पर देखिए इस तरह से आप अपने पेज के लाइन स्पेस को खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे तो किसी एक पैराग्राफ के, चाहे तो पूरे पेज के, आप खुद से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट टाइम आप यही सारे के सारे मिस्टेक कर रहे थे कि एप्लीकेशन को आधे पेज पे खत्म कर दिया, लेटर को उधर खत्म कर दिया, तो इस तरह से पूरे पेज पे फिल कर सकते हैं। और ये जो सूरत हाल थी, लेफ्ट राइट बैलेंस नहीं था, तो ये भी मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से करना है, यहाँ से जस्टिफाई जिस लेवल पे चाहें आप कर सकते हैं, और इस तरह से आपका पेज बेहतर तरीके से एडजस्ट होगा। अब आपने जस्टिफाई किया तो बीच का स्पेस आया और ज्यादा स्पेस आ गया। अब एक और मसला आता है, मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ गैप ज्यादा आ गया, आप चाह रहे थे कि यार ये वाला टेक्स्ट, बल्कि यहाँ से नीचे वाला सारा टेक्स्ट ऊपर आ जाए, यानी कि एक लाइन शिफ्ट अप हो जाए, एक लाइन शिफ्ट अप हो जाए, ठीक है। मतलब हमारा टेक्स्ट जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा था, मैं चाह रहा हूँ यहाँ से ये पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है ये एक लाइन शिफ्ट अप ऐसे हो जाए, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पे रख के, यहाँ पे कर्सर रख के डिलीट का बटन दबाएंगे। किसका बटन दबाएंगे, डिलीट का। तो देखिए अभी मेरा जो टेक्स्ट है यहाँ पे रख के मैं डिलीट का बटन दबा रहा हूँ, टेक्स्ट मेरा कहाँ तक आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये मैंने दबाया डिलीट का बटन। तो जैसे ही डिलीट का बटन दबाया तो टेक्स्ट जब ऊपर आया, उसको स्पेस मिला, तो पूरा टेक्स्ट इधर एडजस्ट हो गया। तो ये भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था कि टेक्स्ट को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, अगर नीचे चलाया तो ऊपर कैसे करते हैं, तो जब नीचे से टेक्स्ट को ऊपर खींचेंगे तो ऊपर खाली जगह पे रख के डिलीट का बटन दबाएंगे। एक और आपको इशू आ रहा था ये कि अगर आप यहाँ पे रख के डिलीट का बटन दबाएंगे तो क्या होगा, भाई यहाँ तो गैप है ही नहीं बीच के अंदर, तो यहाँ पे रख के जब डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये वाला टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा, जो नेक्स्ट पैराग्राफ पर आ रहा था वो टेक्स्ट कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब मसला ये कि उसको अगर दोबारा नीचे भेजना है तो क्या करेंगे, तो उससे पहले कर्सर को रख के क्या दबाएंगे, वेरी गुड, जैसे एंटर दबाएंगे तो दोबारा से नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो अब जो भी असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे उनमें आपने इन चीजों का ख्याल रखना है, लिख दिया है तो केस को कैसे कंट्रोल करना है, फॉन्ट साइज को कैसे कंट्रोल करना है, फॉन्ट को और बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन को, इसके अलावा फॉर्मेट पेंटर का क्या काम है, क्लियर फॉर्मेट का क्या काम है, स्टाइल्स कैसे उसके ऊपर लगाने,
देखिए ना, बने बनाए स्टाइल्स के अंदर अच्छा फायदा ये भी है कि आप इसको कोई अच्छा सा स्टाइल टेक्स्ट देना चाहते हैं तो या होम टैब में बने बनाए टेक्स्ट भी स्टाइल है, जैसे सपोज टू बी ये देखिए सबटाइल एम का स्टाइल है, कितना जबरदस्त स्टाइल है, ये इस पैराग्राफ पे लगा दें और इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से एक अच्छा सा स्टाइल ले लें। सपोज टू बी इंटेंस है, सबटाइल एम का है, ये स्टाइल्स भी तो आप लगा सकते हैं ना, ये बने बनाए स्टाइल्स हैं। इससे आपका डॉक्यूमेंट बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है, दिखने वाले को बेहतर हो सकता है। और फॉन्ट की मर्जी आप अपने यहाँ से 12 पे रखें, 14 पे रखें, वो आप अपने हिसाब से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो भी असाइनमेंट्स आपको दिए जाएंगे बनाने के लिए, उसमें आपने इन चीज़ों का प्रॉपरली ख्याल रखना है कि कैसे ये चीज़ होगी। अब ये मिस्टेक्स नहीं आनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। ये वीडियो भी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ ताकि आप इसको एक दफ़ा